खरगोन जिला पंचायत जनपद और निकाय चुनाव को लेकर शनिवार को कांग्रेस की जिला बैठक सुबीसी परिसर में रखी गई। वहां चुनाव प्रभारी मनीषा सिरोड़कर, विधायक विजयलक्ष्मी साधो, जिला अध्यक्ष झुमा सोलंकी, विधायक रवि जोशी ने कार्यकर्ताओं और चुनाव दावेदारों से आह्वान किया है। रवि जोशी ने कार्यकर्ताओं से कहा कि प्रत्याशी तय होने तक भले ही हम एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं, लेकिन नाम तय होने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने के लिए एकजुटता दिखाएं, क्योंकि हमारी पहचान कांग्रेस से है। विधायक जोशी ने कहा, खरगोन गोगांव ब्लॉक ने जिला और जनपद में एक एक नाम तय करके सहमति बना ली है, जिसमें कांग्रेस के जीतने की राह आसान होगी। इसी तरह खरगोन नगर पालिका में भी हर वार्ड में चुनाव दावेदारों की लंबी फहरिस्त है, जो कांग्रेस का तिरंगा नगर पालिका में लहराएंगे। बैठक में सभी को एकजुटता के साथ जिला पंचायत, जनपद और निकाय चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने का संकल्प दिलाया गया है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। संवैधानिक व्यवस्थाओं में 5 साल के लिए चुनाव होते हैं। 5 साल के बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया वो 5 साल के लिए, 5 साल चुन के भेजेगी जनता, अच्छा काम करो दोबारा आएंगे, नहीं तो घर बैठो। इस संविधान व्यवस्था को नहीं मान रहे। आज पंचायत चुनाव को ये 8वां साल चल रहा है, 8 साल में पंचायत चुनाव नहीं कराएंगे। यही स्थिति स्थानीय चुनाव की है, यही स्थिति मंडी की है, यही स्थिति सतंदर के चुनाव की है। तो आप इससे जाहिर होता है कि शिवराज बाबा की सरकार डरी हुई है, इसीलिए चुनाव कराना नहीं चाहता। पिछड़ों का आरक्षण भी आप उठा के देखो, हर जनपदों में कम हो गया, हर ग्राम पंचायतों में कम हो गया, जिला पंचायत में कम हो गया। तो पिछड़ों का आरक्षण जो कांग्रेस ने विभिन्न स्थिति के शासन में किया था, जो आदरणीय कमलनाथ ने इसको, जो मामा ने, क्योंकि मामा तो पिछड़ों का नेता है, किसी को प्रदीन करता है, उसके बाद 2023 के पहले एक सेमीफाइनल है, किस प्रकार की तैयारी है? देखिए, पंचायती राज जो चुनाव है ये श्री राजीव गांधी का एक सरकार है, आम आदमी की भागीदारी सरकार है, और वो जो निचले स्तर का जो ये चुनाव है 23 ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एक कहा जाए तो ये एक रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि जो भी विकास के काम गाँव में होते हैं उसकी प्राथमिक कड़ी पंचायत और पंचायत के माध्यम से गाँव में विकास होता है। तो जो स्वर्गीय राजीव गांधी जी का सरकार था, 15 साल में शिवराज बाबा ने इसकी हालत पत्नी कर दी। आज जो है जो पंचायतों में काम होने चाहिए वहाँ पर बिल्कुल लोग परेशान हैं, इधर उधर मानी मानी भटक रहे हैं। जो प्राथमिक योजनाएं उनको मिलनी चाहिए नहीं मिल रही है, जो निचले मैदान में आदमी रखा है उसको जो योजनाएं मिल रही है उसका लाभ नहीं मिल रहा है। सारे लोग विधायक के पास रखते हैं, पंचायतों में आपको सुनने वाला नहीं है, सचिव अपनी बदवानियाँ देना चाहिए। सब चीज़ें देखते हुए हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सुपौल आधारित तो चुनाव में जितने भी चुनाव हैं गाँव के व्यक्तिगत हैं, पर हमारी कोशिश और प्रयास है आगे कमला की के निर्देश है कि हर जगह जाके कोशिश और प्रयास करूँ कि संयुक्त रूप से सामंजस्य बढ़ा के एक एक उम्मीदवार कांग्रेस कर रहे हैं, ताकि अच्छी पंचायत बने, अच्छी जनपद बने और अच्छी जिला पंचायत। निकाय चुनाव को लेकर भी यही धारणा है, क्योंकि सुपौल आधारित मुझे नगर निगम इंदौर का प्रभारी बनाया है, अन्य लोगों की भी नगर में हमने नगर पंचायतें भी हैं, नगर पालिका है, सब अपनी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं, अपने अपने एरिया में काम करते हैं, और वहाँ भी हम लोग यही सामंजस्य कोऑर्डिनेशन करते हैं। हर जगह हमारे लोग दमदारी से और एक एक व्यक्ति कांग्रेस के पक्ष में पर चल रहे हैं। क्या आप मानते हैं कि सेमीफाइनल में विधानसभा के पहले बट नेचुरल में भविष्य में बहुत निकट होगी, और शीघ्र ही विधानसभा की चुनाव की आने वाले मेरे ख्याल से 13 या 14 महीने बचे हैं, तो एक तरह से ये आगाज है विधानसभा चुनाव का, उसके 6 महीने बाद लोकसभा के चुनाव। इस तरह से मीडिया में या हालिमा बकवास कांग्रेस के बारे में, इसके देखते हुए हमारे हर वार्ड हर नगर पंचायत नगर पालिका नगर निगम इतने लोग उत्साहित होते हैं, जो निकलते एक वार्ड में 15-20 लोग उम्मीदवार एक उत्साह होती है, जिसमें कि कांग्रेस की परिषदें बने, और मैं समझती हूँ कि मंगल को बहुत ही हम लोग होशनीक हो रहे हैं, लेकिन हम लोग कांग्रेस की और बहुत अच्छी क्या स्थिति लग रही है कांग्रेस की, जैसे आप दौरे लगातार कर रही हैं मध्यप्रदेश में? क्या बहुत अच्छी स्थिति है, क्योंकि आज के कार्यक्रम में हर वर्ग का आदमी परेशान है। हर देखो युवा बेरोजगार 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 है, महंगाई चरम सीमा,
पेट्रोल डीजल के अगर देखें तो पूरे हिंदुस्तान में वेट मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा एक्साइज ड्यूटी में इतना कमाया लेकिन वो पैसा लोगों के बीच में खर्च नहीं कर रहे हैं। और बहुत ही गलत पत्ती हो रही किसान परिषद गेहूं की निर्यात की थी उन्होंने निर्यात बंद कर दी गेहूँ के बाद एकदम जो है वो डाउन हो गए किसान भी परेशान है हर व्यक्ति परेशान है। इस परेशानी से अलग हटकर भाजपा का एक ही एजेंडा है बांटो जो इस प्रदेश के अंदर कर रहे हैं। अभी तो बड़ी हास्यास्पद स्थिति हो रही है प्रदेश का मुखिया 2018 में कांग्रेस के पक्ष में इस प्रदेश की जनता ने जो बड़ा अच्छी सरकार बनाई शिवराज मामा ने प्रजातंत्र की हत्या करते हुए पिछले दलवाले जो सरकार बनाई अपने निजी स्वार्थों के चुके हैं आज भले पिछले दरवाजे से आज मुद्दा है जो तो किया प्रदेश के वो प्रदेश की जनता की समस्या है उसको सुलझाने के बजाय ठेला लेके निकल पड़े हैं हिलोने को बटोरते हैं। उनके भी बड़ी हास्यास्पद क्योंकि जो आदमी जिसके ऊपर प्रदेश की जवाबदारी वो ठेला लेके खिलौने ले रहा है और वो खिलौने भाई अगर बच्चों की बीमारी है कोशिश है तो तू 18 साल का बच गया कितनी चुनौती बांधा है पंचायत चुनाव कोई चुनौती नहीं कोई चुनौती हम दमदारी से खड़े और 100% हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।